DCIM क्या है ये? क्या आपने कभी इसके बारे में सुना है या कभी आपने इसे देखा है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने देखा होगा इसे अपने स्मार्टफोन के इंटरनल स्टोरेज में, या तो फिर आप अपने डिजिटल कैमरा में जब आप इसको अपने पीसी से कनेक्ट करते हैं, या फिर अपने आप फ़ोन को पीसी से कनेक्ट करते हैं, तो ये फोल्डर हमें अक्सर देखने को मिलता है। बट क्या आपने कभी सोचा है कि इससे होता क्या है, इसका काम क्या है, और ये हर स्मार्टफोन, मेमोरी कार्ड, डिजिटल कैमरा में आखिर क्यों होता है? तो कैसे जानेंगे हम इसके बारे में, उसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए आपको बस ये वीडियो एंड तक देखना होगा। तो मैं रवि वर्मा आपका स्वागत करता हूँ F1 Tech Support में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। DCIM क्या है? DCIM का फुल फॉर्म होता है डिजिटल कैमरा इमेजेस। जी हाँ, ये एक तरह का फोल्डर होता है और एक तरह का ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम होता है जो आपको मेमोरी कार्ड में या फिर स्मार्टफोन में या फिर कैमरा में आपको इमेजेस को सेलेक्ट करता है और आइडेंटिफाई करता है उस फोल्डर में इस चीज़ को, इमेज और वीडियो को रखने के लिए। तो ये काम आखिर कैसे करता है, इसको आखिर चलाता कौन है, यानी कि इस फोल्डर को हैंडलिंग कौन करता है, इसका एडमिन कौन है, एक तरह से एडमिन कहा जाए, तो इसको बनाया किसने है? तो सबसे पहले तो ये काम करता है DCF पे। तो अब आप कहेंगे कि ये DCF क्या है? DCF होता है डिजाइंस रूल फॉर कैमरा फाइल सिस्टम। आप भी कंफ्यूज हो गए होंगे कि भाई ये हमें DCIM के बारे में बता रहा है या फिर DCF के बारे में बता देता है। तो DCIM का जो मेन काम होता है उसको पूरा हैंडलिंग करता है DCF। DCF को जो बनाने वाली कंपनी है उसका नाम है जापानीज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एसोसिएशन। DCIM एक तरह का फोल्डर होता है, अगर आप उसको डिलीट कर देंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आपके सारे फोटो जो हैं वो आपके फोटो वीडियो जो सारे वो डिलीट हो जाएंगे। बट आप उसको जैसे ही डिलीट करोगे और फिर से आप उसको मेमोरी कार्ड में लगाओगे या आप अपने फ़ोन को फिर से रिबूट करोगे तो वो फोल्डर ऑटोमेटिक वहाँ पर फिर से आ जाएगा। DCIM का काम सिर्फ इतना होता है कि वो आपके फोटोज को, वीडियोज को स्पेशली एक सेलेक्टेड जगह पे रखने के लिए उसको बनाया गया है, यानी कि अगर कोई बंदा उसको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करता है तो उसे कंफर्म हो जाए कि ये फ़ोटो या वीडियोज हमें DCIM फोल्डर में ही मिलेगा। जी हाँ, DCIM फोल्डर का यही काम होता है। ये आपको हर स्मार्टफोन, हर मेमोरी कार्ड, हर कैमरा में आपको ये देखने को मिलता ही मिलता है। तो DCIM क्या है और इसके बारे में आपने अभी जाना, तो फिलहाल कैसा लगा आपको ये वीडियो, इसके बारे में आप हमें बताएं, क्या है आपकी राय, कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।